नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फोटो को बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो मात्र कुछ मिनटों में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, चलिए आपको सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने करेंगे अपने फोटोशॉप को ओपन। जैसा ही दोस्तों मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये एडोब फोटोशॉप 7.0 जो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कुछ देर बाद में दोस्तों ये फोटोशॉप इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपको जो भी आपकी फोटो है उसका बैकग्राउंड चेंज करना है वो आपको ले लेना है। तो दोस्तों, अपना ये फोटोशॉप ओपन हो गया है तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करना है, जो भी आपकी फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ये अक्षय कुमार जी की फोटो है तो अपन यहाँ से इसको सेलेक्ट इसका बैकग्राउंड चेंज करना है अपने को, तो अपन इसको सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको क्रॉप करने के लिए आपको यूज करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है, या तो आप कीबोर्ड में एल प्रेस करके भी आप ये ले सकते हो, या यहाँ पे या दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है मैग्नेटिक लेसर टूल्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपनी फोटो को यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आपकी फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद में दोस्तों इसको आप कंट्रोल सी कर लेना है। जैसे आप कंट्रोल सी करके आपको यहाँ से नया पेज जो भी आपकी फोटो को बैकग्राउंड के ऊपर चेंज कर लगाना है वो फोटो आपको ले लेनी है। जैसे दोस्तों आप अपनी फोटो को यहाँ पे इस वाले पे आप लगाना चाहते हो तो आपको ये कि इस तरीके से आपको इस पे आप कंट्रोल वी कर देना है, आपकी फोटो ये जैसे इस तरीके से आ जाती है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल टी करके आप अपनी फोटो को यहाँ से जैसे कंट्रोल टी करके आपको अपनी फोटो को इस तरीके से आप छोटी भी कर सकते हो और अपनी फोटो को रोटेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आपको अपनी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। जो भी आप बैकग्राउंड अपने कंप्यूटर से डाउनलोड करके आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो और आप अपनी फोटो को ज्यादा ब्राइट करके और ज्यादा जैसे कंट्रोल एम करके आप अपनी फोटो को, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल एम करके अपनी फोटो को आप इस तरीके से साफ भी कर सकते हो। और दोस्तों, आपको अपनी फोटो को ऐसा बैकग्राउंड लगा के अपनी फोटो पर इस तरीके से आप अपना ये बैकग्राउंड लगा के अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक करें, अगर अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।